हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि इस बार बीपीएससी में रेसिडुअल एयर पूछा हुआ था। तो दोस्तों, आप जो है फेफड़े किसके बीच में रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पसलियों के पिंजरे में बंद होता है हमारा फेफड़ा। तो यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के, सभी टॉपिक के, सभी चैप्टर के थ्योरी सेशन कंप्लीट कराए गए हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एंड बीपीएससी के लिए जितने भी 80-85 क्वेश्चंस वीडियोज का प्रैक्टिस कराया गया, उन सभी वीडियोज को आप देखिए, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आपको इस बार एक एक टॉपिक का ऑनलाइनर क्वेश्चंस डीपली मैं पढ़ा रही हूँ, जिससे एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक देखने के बाद आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपका बिहार या स्टेट फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम मार्च में होगा, उसके बाद अगस्त में फिर से आपको बीपीएससी होगा TRE 3। तो दोस्तों, केवल बीपीएससी ही नहीं, अदरवाइज चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, उत्तराखंड टीजीटी हो, DSSB हो, एमपी सुपर टेट हो, मुख्य परीक्षा जो अभी नहीं हुआ है, सभी एग्जाम्स होंगे। बट आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन तंत्र होता क्या, रेस्पायरेशन होता क्या है। श्वसन जो है ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न या ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका में संपन्न होता है कोशिकीय श्वसन के द्वारा, जिसके बदले में जो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है तो बदले में बनता है CO2+H2O+ ऊर्जा। जो ऊर्जा बनता है वो हमारा शरीर उपयोग कर लेता है। H2O जो होता है जल होता है, वो पसीने या यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जो CO2 होता है वह श्वसन के द्वारा यानी कि एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, डायथर्मी एक तरीका है। तो डायथर्मी एक प्रकार का निष्क्रिय वार्मिंग अप का तरीका है। नेक्स्ट है, फेफड़ी को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं। दोस्तों, हर एक चीज किसी न किसी खोल से ढका होता है, तो फेफड़े को ढकने वाले आवरण को कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि जो आवरण होता है उसे ढका होता है, ठीक है, प्लूरा झिल्ली से ढका होता है। और यह प्लूरा झिल्ली जो है इसके अंदर पेराइटल, इसमें दो स्तर होते हैं दोस्तों, प्लूरल मेम्ब्रेन में दो स्तर होते हैं, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इसके बीच में प्लूरल द्रव भरा रहता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को CPR छाती पर दबाव किस दर पर प्रति मिनट दिया जाता है। तो 100 बार प्रति मिनट की दर से दिया जाता है। CPR मतलब कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन। दोस्तों, CPR कब दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो उस कंडीशन में उसको छाती पे 100 बार प्रति मिनट की दर से थपथपाया जाता है कि जो हमारा, जो उसका फेफड़ा होता है वो एक्टिव हो जाए। डॉक्टर के पास ले जाते भर के लिए, तो वो तुरंत कृत्रिम रूप से CPR दिया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, जो श्वास नहीं ले पाता उसको CPR दिया जाता है। नेक्स्ट है, बलकृत महत्वपूर्ण क्षमता जो एक सेकेंड में निःश्वसित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको बलकृत निःश्वसन आयतन कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में गैसियों का आदान प्रदान, जो गैसों का आदान प्रदान CO2 O2 का होता है, कहां पे होता है दोस्तों?
तो एल्वियोलाइज में होता है। कहाँ पे होता है, जो गुच्छेनुमा आकृति होते हैं, जो हमारे श्वास नली ट्रेकिया होती है, आगे जाके फेफड़ों में दो भागों में बट जाती है, वही जो ट्रेकिया होती है दाएं फेफड़ा में तीन भागों में, बाएं फेफड़ा में दो भागों में बट जाती है, यही आगे चलकर बहुत शाखाओं में बट जाती है और अंत में जाकर के एक गुच्छा बना लेती है जिसे एल्वियोलाइज कहते हैं, और इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। जब हमारे हृदय से पल्मोनरी धमनी लेकर जाता है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में, तो वहां से एल्वियोलाइज में से जो ऑक्सीजन होता है वह पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से हृदय में जाता है बाएं अलिंद में, और CO2 जो होता है पल्मोनरी धमनी से चला जाता है कहां पे, एल्वियोलाइज में, जो बाहर निकल जाता है एक्सपायरेशन के द्वारा। इस प्रकार जो पल्मोनरी सिरा होता है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को लेकर बाएं अलिंद में, हृदय के बाएं भाग में, बाएं अलिंद में, फिर बाएं नीले में, फिर एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, महाधमनी से विभिन्न शाखाओं में बढ़कर शरीर के समस्त कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में जाकर के दो प्रकार के कोशिकीय श्वसन होते हैं, एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन जिसके जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है, फिर जाता है माइटोकांड्रिया में जहां पे क्रेब्स चक्र होता है, वहां पे एक माइटोकांड्रिया में वायवीय श्वसन यानी एरोबिक श्वसन होता है जिसके फलस्वरूप 36 ATP का निर्माण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है जिससे प्रक्रिया में ऊर्जा बनता है, इसलिए माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहां पे होता है, एल्वियोलाइज में, इसलिए इसको डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं गैसों के आदान प्रदान को। तो यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है कि गैसों का आदान प्रदान कहां पे होता है, एल्वियोलाइज में, डिफ्यूजन प्रोसेस कहां पे होता है, एल्वियोलाइज में। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है, तो फेफड़ों में जो क्षमता होता है श्वास लेने की उसको स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नाक ग्रसनी स्वरयंत्र श्वास नली ब्रंकाई फेफड़े किसके अंतर है, ये सभी अंग हैं श्वसन तंत्र की, श्वसन के। नेक्स्ट दोस्तों, विश्राम परिस्थितियों यानी आराम की स्थिति में प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों से लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है, तो 500 ml अंदर और बाहर जाती है विश्राम स्थिति में, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज या कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो 4000 से 5000 ml हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, उंगलियों के जोड़ों को क्या कहा जाता है, तो उंगलियों का जोड़, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, निचले जबड़े का जोड़, ये सभी आता है हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़ों के वायु कोष यानी कि एल्वियोलाइज किस उत्तक के बने होते हैं, तो जो एल्वियोलाइज होते हैं वायु कोष होते हैं वो बने होते हैं उपकला उत्तक यानी कि इपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वास लेते समय हमारे फेफड़े के अंदर दबाव क्या होता है, तो घटता है, याद रखिएगा, जब हम श्वास ले रहे हैं तो फेफड़े के अंदर का दबाव घटता है, क्योंकि जब हमारे फेफड़े फैले रहेंगे, जब हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वह सिकुड़ती है, तो हमारा जो सिकुड़ती है तो हमारा जो क्या कहते हैं डायफ्राम होता है वो नीचे चला जाता है और फेफड़े का आयतन यानी उस स्थान ज्यादा हो जाता है जिससे फेफड़े के अंदर जो दाब होता है वायु का वो कम हो जाता है, और वायु या गैसें ये दोनों हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो बाहर उच्च दाब है और फेफड़ों में निम्न दाब, इस कंडीशन में जो है बाहर से वायु फेफड़े के अंदर आने लगती है, तो इसको कहते हैं इंस्पायरेशन, श्वास अंदर लेना, और एक्सपायरेशन के समय फेफड़ों में आयतन कम हो जाता है, डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु दाब ज्यादा हो जाता है, बाहर कम हो जाता है, तो फेफड़ों के अंदर से वायु बाहर आने लगती है, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जब श्वास लेते समय फेफड़े का अंदर दबाव क्या होगा, घटेगा, कम रहेगा, और श्वास निकालते समय, श्वास अंदर छोड़ते समय फेफड़े के अंदर का जो दबाव रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों में अधिक देता है, क्या देता है, एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब सीढ़ियां चढ़ना, ये क्या है, एरोबिक व्यायाम है, ठीक है। एंड जैसे स्प्रिंट दौड़, कम समय की शक्तिशाली चीजें जो होती है वो अन एरोबिक व्यायाम होती है, याद रखिएगा।
अनैरोबिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, दाएं अलिंद और दाएं नीलय के मध्य कौन सा कपाट होता है? तो हमारे हृदय में चार कपाट होते हैं, दाएं अलिंद दाएं नीलय के बीच ट्राइकस्पिड कपाट, और बाएं अलिंद बाएं नीलय के बीच बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है, और दाएं नीलय के जो पल्मोनरी वाल्व होता है और जो शुद्ध रक्त जाता है भां धमनी में वहां पे एरोटिक वाल्व होता है। चार प्रकार के वाल्व होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है? शरीर का कौन सा अंग प्लूरा मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है? तो फेफड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों में जो बची हुई वायु की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा हुआ था, रेसिड्यूल एयर किसे कहते हैं? तो जो अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत यानी पूर्ण श्वसन होने के बाद जो फेफड़ों में वायु बची रह जाती है उसे रेसिड्यूल एयर या अपशिष्ट वायु कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अवशिष्ट वायु कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको होता है वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर, रेसिड्यूअल एयर, इन सबको मिला करके बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। जैसे कि वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है वो वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जैसे हम सामान्य अवस्था में श्वास अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या प्राणवायु। जो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एयर किसे कहते हैं? जब सामान्य श्वास के बाद यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद यदि वायु और जोर से श्वास अंदर लेकर फेफड़ों में भरी जाए यानी इंस्पायरेशन किया जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वायु कहते हैं। सप्लीमेंट्री एयर किसे कहते हैं? कि गहरे श्वास के द्वारा वायु को बाहर निकाले यानी एक्सपायरेशन को कहते हैं परिशिष्ट वायु या सप्लीमेंट्री एयर। और रेसिड्यूअल एयर किसे कहते हैं? कि पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु को रेसिड्यूअल एयर कहते हैं। तो दोस्तों जो वाइटल कैपेसिटी होता है वो 4600 ml होता है। कैसे? वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री एयर पूरक वायु 3000 ml और सप्लीमेंट्री एयर यानी परिशिष्ट वायु 1100 ml। कुल मिलाकर के 4600 ml हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? फेफड़ों की कुल क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा 4600 ml होता है, जो अवशिष्ट वायु रेसिड्यूअल एयर होता है बची हुई वो होता है 1200 ml। तो 4600 + 1200 ml बराबर कितना हो जाएगा? 5800 ml। यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी होता है 5.8 liter या 5800 ml। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है? तो 1/10 पूर्ण फुफ्फुस वॉल्यूम। नेक्स्ट दोस्तों, उस प्रक्रिया को जिसमें पसलियों और डायफ्राम की पेशियां क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं, और डायफ्राम चपटा होकर वक्ष गुहा का आयतन अधिक होता है। तो जब वक्ष गुहा का आयतन अधिक होगा दोस्तों तो क्या होगा? फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े के अंदर जो है वायुदाब कम होगा। वायुदाब कम होगा तो बाहर से वायु अंदर की तरफ आएगी, तो क्या हो रहा है? अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन हो रहा है। तो कभी भी वक्ष गुहा का आयतन अधिक कहे तो अंतः श्वसन होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम कहे तो वो वाह श्वसन होगा यानी एक्सपायरेशन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, VO2 मैक्स के मापन की इकाई क्या है? तो दोस्तों VO2 मैक्स को मिलीमीटर प्रति किलोग्राम प्रति मिनट में मापा जाता है। VO2 मैक्स से मतलब होता है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। यानी कि अभ्यास जब हम कर रहे हैं उस दौरान जब व्यक्ति अपने मैक्सिमम लोड के स्तर को प्राप्त कर लेता है, थक जाता है, उस दौरान एक मिनट में फेफड़ों द्वारा जितना वायु ग्रहण की जाती है उसकी O2 की मात्रा को VO2 मैक्स कहते हैं। उस समय हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सांस लेकर के करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, व्यायाम के दौरान प्राणवायु आयतन कितना होता है? दोस्तों जो प्राणवायु यानी कि और टाइडल वॉल्यूम होता है सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना सामान्य स्थिति में, तो वो 500 ml होता है। जब व्यायाम करते हैं तो उस समय प्राणवायु का आयतन 3000 ml प्रति मिनट होता है, याद रखिएगा। साधारण अवस्था में 500 ml और व्यायाम करते समय प्राणवायु ऑक्सीजन का आयतन होता है 3000 ml। नेक्स्ट दोस्तों, साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जैसे कि हमारे वायुमंडल में 21%
ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो साधारण वायु में कितना होता है ऑक्सीजन, 21%। एंड नेक्स्ट है प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, तो 78%। तो जैसे कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यही हम जब अंदर वायु लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, सब जाता है जितना वायुमंडल में पाया जाता है। और जब यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाता है 21%, बाहर निकलता है 16%, और नाइट्रोजन 78% जाता है अंदर, 78% वापस आ जाता है, कोई यूज नहीं होता। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% जाता है और बाहर आता है 4.4% बाहर आता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो ऊर्जा बनाता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन, तो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कम मात्रा में जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है। तो हमारे हृदय श्वसन क्षमता, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, हमेशा एरोबिक एक्टिविटी यानी सहनशीलता वाले, दमखम वाले, वाले में होती है, जैसे कि ताकत, लचीलेपन और सामान्य शारीरिक सहन शक्ति के से संबंधित होता है। नेक्स्ट है फेफड़े किसके भाग हैं। ये फेफड़े जो है श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल मैदान में एथलीट हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो खेल मैदान में हृदय की धड़कन को जानना है तो रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग करते हैं। वैसे हृदय की धड़कन को मापने के लिए तो स्टेडियम स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खेल मैदान में जानने के लिए रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने बताया था कि वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो 4600 ml होती है और रेसिडुअल एयर जो होती है वो 1200 ml होती है। दोनों को हम करेंगे तो 5800 ml यानी 5.8 liter हो जाएगा। तो यहाँ पे 4.5 से 5 liter है, एग्जैक्ट पूछेगा तो 5.8 liter या 5800 ml आप सही राइट बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होती है। तो आप सबको पता है जो हमारे हृदय की पल्मोनरी धमनी होती है वो लेकर जाती है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, ठीक है। जो फिर पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से हमारे बाएं भाग, हृदय के बाएं भाग, बाएं अलिंद, बाएं निलय, फिर एरोटिक वाल्व के रास्ते फिर महाधमनी के माध्यम से समस्त कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार के खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अधिक होगा। तो जितना अधिक समय की क्रिया होगी, जितनी ज्यादा सहनशीलता वाली होगी, उसमें उतना ही ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होगा, तो मैराथन धावक में होगा। नेक्स्ट है हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आप सबको पता है 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। बट लेकिन एक साधारण स्थिति में जब आप अभ्यास कर रहे हैं उस कंडीशन में कम से कम आपका हृदय जो है 180 बार प्रति मिनट धड़कता है। और जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं उस कंडीशन में साधारण स्थिति में आपका हृदय 40 से 50 बार प्रति मिनट धड़कता है आराम से, यानी कम थकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों, श्वसन मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो फेफड़ा जो है हमारा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट है एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। ट्रैकिया जिसे श्वास नली कहते हैं वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट है जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% यानी 20-21% होता है और श्वास छोड़ने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो 16% यानी 21% जाता है, 16% बाहर निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है और एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो है 8 से 10 बार सांस लेता है। यही जितनी धीमी आपके श्वसन आराम से होगी उतना ही आप जल्दी कम थकेंगे और ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है। तो टीसू यानी उत्तक में पहुंचता है हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखे। दोस्तों सबसे पहले नाक में वायु जाता है, फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स एक ऐसा भाग होता है जहां भोजन और गैस श्वास दोनों जुड़ा रहता है और फेरिंग्स से ही भोजन अपने भोजन नली में जाता है, श्वास अपने श्वास नली में जाता है। तो पहले नासिका होगा, फिर फेरिंग्स होगा, फिर लैरिंग्स यानी
जो है जिसे कंठ कहते हैं, लैरिंग्स, जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होता है, एंड फिर एल्वियोलाइज यानी फेफड़ों में पहुंच जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फुफ्फुस यानी फेफड़े का कुल औसत पृष्ठ सरफेस एरिया का विस्तार कितना होता है, तो 75 स्क्वायर मीटर होता है। नेक्स्ट है, एक मिनट में श्वसन में किए गए वायु का लगभग परिणाम कितना होता है, तो लगभग एक मिनट में श्वसन किए गए वायु का लगभग परिणाम 7 लीटर होता है, जैसे कि 5.8 लीटर हम लोग देखे थे, तो 5 से 7 लीटर ऐसे ही हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पाद क्या होता है, तो हमने देखा था स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट दोनों का उत्पाद कार्डियक आउटपुट होता है। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं कि जो बाएं हृदय के द्वारा, बाएं हृदय के बाएं निलय के द्वारा एक बार में यानी एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो 70 ml होता है। और एक मिनट में हमारे हृदय की धड़कन कितना होती है, 72 बार, तो 70 और 72 का गुणा करेंगे तो 5.04 लीटर यानी कि 5 लीटर के बराबर आपका कार्डियक आउटपुट आएगा। तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, यानी एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, और एक धड़कन में जितना पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर और बाहर ले जाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको टाइडल वायु की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है, तो श्वसनी के द्वारा, जो हमारा ट्रैकिया श्वास नली होती है वही आगे जाकर फेफड़ों में, दाएं फेफड़े में 3 भाग, बाएं फेफड़ों में 2 भाग हो जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है, ब्रांची, वही ब्रांची फिर पतले पतले धाराओं में बच जाती है जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं, फिर वही गुच्छे के रूप में आकृति बना लेती है जिसे हम कुपिकाएं या एल्वियोलाइज कहते हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान यानी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वास मिनट आयतन बोला जाता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में एल्वियोली यानी एल्वियोलाइज कि अनुमानित संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक फेफड़े में 300 से 400 लगभग होता है, तो यहाँ पे कुल होता है 700 मिलियन। नेक्स्ट दोस्तों, किसी दिए गए समय में समाप्त हो चुके CO2 के आयतन और खपत हुए O2 के अनुपात को क्या कहते हैं, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ सकता है, श्वसन लब्धि यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोटेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन लब्धि यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोटेंट कहते हैं, यानी कि कितना CO2 उत्सर्जित किया गया, बाहर निकाला गया, और कितना O2 यानी ऑक्सीजन खर्च किया गया, उपयोग किया गया, इस दोनों के अनुपात को RQ यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोटेंट कहा जाता है। दोस्तों जो ग्लूकोज का RQ होता है 1 होता है, याद रखिएगा, वसा और प्रोटीन का RQ जो होता है 1 से कम होता है, एंड कार्बोनिक अम्ल का RQ जो होता है 1 से अधिक यानी लगभग 4 होता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सेलुलर श्वसन यानी जो कोशिकीय श्वसन जो 2 होता है, कोशिकीय श्वसन में 2 प्रक्रियाएं होती है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, जो सेलुलर श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसके वायुजीय श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय या अनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होती है कोशिका में उसको क्या कहते हैं, वायुजीवी श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, जो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है जिसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बिना यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सेलुलर ऊर्जा यानी कोशिकीय ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया के किस रूप में जाना जाता है, उसके अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, जो कोशिका द्रव में संपन्न होता है जिसके फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है, और वायवीय श्वसन जो क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया में होता है उसमें 36 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक प्रतिशत में होती है, तो नाइट्रोजन 78%, इसके अलावा O2 जो है ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट दोस्तों, श्वसन तंत्र एक हिस्सा
एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है, उसे श्वास नली भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ का आविष्कार किसने किया था? तो ऑक्सीजन जुड़ का आविष्कार ए वी हिल ने किया था। ऑक्सीजन जुड़ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ए वी हिल ने किया था। ऑक्सीजन जुड़ होता क्या है? यानी कि जब आराम की स्थिति में एक मिनट में जितना ऑक्सीजन आप ग्रहण कर रहे हैं, और फिर जब अभ्यास करने के पश्चात रिकवरी के समय एक मिनट में जितना ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, उन दोनों के अंतर को हम ऑक्सीजन डेप्ट यानी ऑक्सीजन कर्ज कहते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन डेप्ट यानी कि ऑक्सीजन ऋण की आविष्कार किसने किया था? तो ए वी हिल ने किया था। किसने किया था? ए वी हिल ने कहा था, किया था। दोस्तों, ऑक्सीजन ऋण को वर्तमान में एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंडक्शन ईपीओसी के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अल्प ऑक्सीजन रक्तता में ऑक्सीजन कम कहां पहुंचती है? तो ऊतक में। यानी यहां अल्प ऑक्सीजन रक्तता यानी कि हाइपोक्सिया में जो है ऑक्सीजन सबसे कम कहां पहुंचती है? तो कहां पहुंचती है? टीसू में पहुंचती है, ऊतक में। नेक्स्ट है, न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या होती है? तो न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जबकि वाटर कैपेसिटी किसे कहते हैं? अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, ऊतक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है। जैसे कि दोस्तों, हम आपको जैसे कि बता दें, जो गैसों का ट्रांसफर होता है, गैसों का आदान प्रदान एलोलाइज के द्वारा होता है। तो उसके बाद गैसों का आदान प्रदान तो हो गया, उसके बाद ट्रांसफर कैसे होगा? यानी कि O2 जो ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा, और कोशिकाओं से CO2 को बाहर फेफड़ों तक कौन लाएगा? तो यहाँ पे जब रक्त में रक्त का RBC जो है में हीमोग्लोबिन होता है, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाता है? कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और जो CO2 वहां पे होता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पहुंचा देता है कोशिकाओं में, तो वहां पे जो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का अपघटन करके ऊर्जा बनाता है। तो जब ऑक्सीजन यानी कि वायवीय श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में होता है एक कार्य, और जब माइटोकांड्रिया में ऊर्जा बनाता है यानी कि जो ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करता है, तो बदले में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O यानी जल बनता है, प्लस ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा को तो हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कार्य में, और जल पसीने द्वारा यूरिन द्वारा बाहर निकल जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक आ लाएगा, तब ने बाहर निकलेगा। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तीन रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कार्बोमिनो यौगिक के रूप में 23%, और प्लाज्मा में घुलकर 7%। यानी कि तीन रूप से कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोमिनो यौगिक के रूप में, और प्लाज्मा में घुलकर। एंड दोस्तों, जो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तो 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और यह CO2 कोशिकाओं से कुपिकाओं में पहुंच जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकाओं से कुपिकाओं यानी एल्वेलाइज में पहुंच जाता है, और यह पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, और प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, याद रखिएगा। और प्लाज्मा में घुलकर 7% CO2 कार्बोनिक अम्ल के रूप में कोशिकाओं में से कुपिकाओं यानी एल्वेलाइज में आता है, और कार्बोमिनो यौगिक के रूप में 23% CO2 कार्बोमिनो यौगिक के रूप में कोशिकाओं से कुपिकाओं यानी एल्वेलाइज में पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़ों में
डिफ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? डिफ्यूजन मतलब गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वोलाइज में। कंफ्यूज मत होइएगा, गैसों का आदान प्रदान कहे तो भी एल्वोलाइज, डिफ्यूजन प्रक्रिया कहे तो भी एल्वोलाइज, यानी गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही कहते हैं डिफ्यूजन क्रिया। नेक्स्ट है ब्रोंकाइज, यानी ब्रोंचीज किस सिस्टम का भाग है या श्वसन तंत्र का भाग होता है? वही जो है श्वास नली ट्रगिया होती है फेफड़ों में जाकर, दाएं फेफड़ों में 3 भागों में, बाएं फेफड़ों में 2 भागों में, जिसे ब्रांची कहते हैं। वही ब्रांची कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं जिसे ब्रोंकाइज कहते हैं। वही ब्रोंकाइज जब गुच्छेनुमा आकृति ले लेती है तो उसे हम एल्वोलाइज कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य द्वारा सांस में ली गई O2 की मात्रा कितनी होती है? तो 21% O2 वो ग्रहण करता है और बाहर निकालता है 16%। नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा वहन श्वसन क्रिया में निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो सांस लेते समय 0.03% CO2 अंदर जाता है, जबकि बाहर निकलते समय 4.04% बाहर निकलता है। जबकि कार्बन जो नाइट्रोजन होता है 78% जाता है, पूरा का पूरा 78% बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है दोस्तों? तो 78% होता है नाइट्रोजन का, 78% वायुमंडल से अंदर जाता है और बाहर निकलते समय भी 78% होता है। वाइडल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों वाइडल कैपेसिटी स्पायरोमीटर से मापी जाती है, यानी फेफड़ों की श्वसन क्षमता किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर से, चाहे वाइडल कैपेसिटी कहे चाहे फेफड़ों की श्वसन क्षमता कहे। नेक्स्ट है, एक बार श्वास लेने की प्रक्रिया में कितने सेकंड लगता है? तो 5 सेकंड में एक बार श्वास पूरा होता है। इस प्रकार 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फेरिंग्स किस तंत्र का भाग है? तो फेरिंग्स दोस्तों श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में सम्मिलित होता है, बट यह श्वसन तंत्र का ज्यादा माना जाता है, क्वेश्चन देता है, तो ऑप्शन में फेरिंग्स राइट माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वाइडल कैपेसिटी का क्या सूत्र है? तो वाइडल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइडल कैपेसिटी बराबर टाइडल वैल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वैल्यूम 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री एयर 3000 ml एंड सप्लीमेंट्री एयर 1100 ml, पूरा मिला के 4600 ml होता है। एंड नेक्स्ट है, लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइडल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल एयर। वाइडल कैपेसिटी हमारा कितना है? 4600 ml। रेसिडुअल एयर यानी कि पूरा श्वसन क्षमता, श्वसन एक्सपायरेशन करने के बाद जो श्वसन फेफड़ों में श्वास बच जाती है उसे रेसिडुअल एयर कहते हैं, वो होता है 1200 ml, यानी कि 4600 ml प्लस 1200 ml यानी 5.8 लीटर यानी कि 5800 ml होता है टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है, जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद यानी कि मैक्सिमम एक्सहेलेशन करने के बाद जो हवा फेफड़ों में बची रह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम रेसिडुअल एयर कहते हैं, जो 1200 ml होता है। नेक्स्ट है, आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने ml यानी मिलीलीटर ऑक्सीजन लेता है? तो 250 से 350 ml आराम की स्थिति में व्यक्ति 1 मिनट में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, दाएं फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? तो दाएं फेफड़ों में 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में कितने होते हैं? तो बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं, यानी जो ट्रैकिया श्वास नली होती है और आगे चलकर फेफड़ों में दाएं फेफड़े में 3 भागों में बढ़ जाती है और दाएं में 3 भागों में, बाएं वाले फेफड़े में 2 भागों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ध्वनि यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो लैरिंग्स। क्या होता है दोस्तों? लैरिंग्स, यही से आवाज उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेकिया यानी श्वास नली किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज यानी उपास्थि की बनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है? तो 12 से 20 कहिए या 16 से 20 बार कहिए, ठीक है। एंड एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का कितना होता है? तो 8 से 10 बार। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का श्वास दर कितना होता है? तो 8 से 10 या 6 से 10 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है? तो आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना कितना फूलता है? 5 से 11 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम कितना फूलता है? तो 2 से 10 सेंटीमीटर। कैसे? आराम की स्थिति में हम
आराम से सांस ले रहे हैं, यानी कि हमारा फेफड़ा जो है पूरा का पूरा फूल रहा है आराम से, तो 5 से 11 सेंटीमीटर फूलता है आराम की स्थिति में। जब अभ्यास कर रहे हो तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में पूरा नहीं फूलता है, आधा ही फूलता है, तो 2 से 10 सेंटीमीटर फूलता है। नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास करने से रक्त में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है, तो WBC का बढ़ जाता है और चीजों का भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में मैंने आपको श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने बताया, और नेक्स्ट वीडियो होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के सभी टॉपिक का एक ही वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चंस होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।